हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस, एडमिटेंस और कंडक्टेंस ड्राइव करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, BEEE सब्जेक्ट का ये यूनिट 2 का 8वां पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं BEEE सब्जेक्ट के। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस, एडमिटेंस और कंडक्टेंस को कैसे ड्राइव किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, इस सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है। फ्रेंड्स, इसको ड्राइव करने का मतलब ये होता है, अगर किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा तो उसका इंपीडेंस, एडमिटेंस और कंडक्टेंस संबंध कैसे निकालेंगे, इसीलिए अपन इसको ड्राइव करते हैं। अब देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी आर होगा, और इंडक्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी एल होगा, और कैपेसिटेंस की वजह से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी सी होगा, ठीक है। अब देखिए, इसी को अपन ने एक फेसर डायग्राम से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कैपेसिटर के वजह से, ठीक है, और इंडक्टर के वजह से, इंडक्टर के वजह से क्या होता है, करंट क्या होता है, लीड करता है, और कैपेसिटर की वजह से करंट क्या करता है, लैग करता है। मतलब यानी ये हो गया, देखिए ये अपना VR है, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। अब देखिए, अगर अपना ये इंडक्टर लगा होगा तो इंडक्टर की वजह से क्या होगा, जो करंट होगा, ठीक है, करंट अपना आगे जाता है, और कैपेसिटर की वजह से करंट अपना पीछे जाता है। यानी इंडक्टर की वजह से करंट क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये लीड कर रहा है 90 डिग्री करंट से, ठीक है, ये इसीलिए इंडक्टर को मैंने इधर बनाया है। और देखिए, ये VC है, ठीक है, ये VC क्यों बनाया है यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटर की वजह से करंट लैग करता है 90 डिग्री, इसलिए इसको मैंने यहाँ बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि VL इधर क्यों बनाया है और VC इधर क्यों बनाया है, लीड की वजह से और लैग की वजह से यहाँ पर ये बना हुआ है। अब अपन देख लेते हैं कि इसका इम्पीडेंस कैसे फाइंड करना है अपन को। फ्रेंड्स, इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है कि वोल्टेज अपन को पता होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए अपन देखिए इस वाले डायग्राम में अपन पाइथा थ्योरम लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर पाइथा थ्योरम लगाने अपन को वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है, तो ओ ई का होल स्क्वायर अपन कर देंगे और ओ बी का होल स्क्वायर। ये ओ बी कहाँ है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है, प्लस बी ई, ये बी ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, ओ ई की जगह क्या है, यहाँ पर ओ ई की जगह है वोल्टेज है वी है, ठीक है, और ओ बी की जगह क्या है, ओ बी की जगह क्या है, वी आर है, ठीक है, ये अपन ना यहाँ लिख दिया है। और अब देखिए बी ई, ठीक है, बी ई, अब बी ई को अपन फाइंड करना है, तो बी ई को कैसे फाइंड करेंगे अपन, देखिए बी सी, बी और सी माइनस बी और डी, ठीक है। अब बी ई की जगह क्या, यहाँ पर बी सी की जगह अपन को क्या लिखेंगे, देखिए बी और सी की जगह क्या अपन को लिखना है, ठीक है, बी सी की जगह अपन को लिखना है वी एल, देखिए वी एल, ये देखिए वी एल है ये, ठीक है, और बी डी की जगह अपन को क्या लिखना है, बी सी, देखिए बी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी सी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है इसकी वैल्यू। अब आप लोगों को पता है कि वी आर इज इक्वल टू होता है आई आर, और वी एल होता है आई एक्स एल, ठीक है, और बी सी की वैल्यू क्या होती है, आई एक्स सी होता है, यानी ये रिएक्टेंस है ये, है ना। अब देखिए, ये सारी वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हटा दिया है, ठीक है, और ये जो आई है ये कॉमन आ गया है। अब देखिए, ये वी को, आई को अपन को इधर लेके आना है, ठीक है, वी अपन आई आ गया, ठीक है, ये रूट अपना यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए, वी अपन आई हमेशा क्या होता है, ये होता है इम्पीडेंस, यानी जेड से इसको डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट में इम्पीडेंस अपना निकल के आ चुका है। देखिए इम्पीडेंस क्या निकल के आ गया है, ठीक है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये इम्पीडेंस निकल के आ गया है आरएलसी सीरीज सर्किट का। अब आप लोगों को पता है कि इम्पीडेंस का बिल्कुल रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस होता है, तो इसको अपन कैसे, क्या बोलते हैं इसको, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड। अब देखिए, वन अपॉन जेड, जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यही है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का, ठीक है, होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो एडमिटेंस अपन का निकल के आ गया है। और कंडक्टेंस अगर अपन को देखना होगा तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, तो वन अपन आर, ठीक है, ओम इनवर्स, ठीक है, अपन इसको मोह भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपन को ड्राइव करना है आरएलसी सीरीज सर्किट का इंपीडेंस, एडमिटेंस और कंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स,
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे इसके, तो ये देखिए, ये चैनल की प्लेलिस्ट है, इसमें सारे पार्ट्स मैंने BEE सब्जेक्ट के डालता जा रहा हूँ मैं, तो आप इसको विजिट जरूर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन है इसको प्रेस करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।